अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर, न्यूज व्यूज एंड इंटरव्यू, फ्रेश एंड हॉट विदाउट एक्सक्यूज, विदाउट एक्सक्यूज, विदाउट एक्सक्यूज। सो ट्यून इन, सो ट्यून इन, कीप वाचिंग, कीप वाचिंग, पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एन रमेश आपको ले चलता हूं आज की ताजा तरीन गतिविधियों की ओर। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर महानगर पालिका से शहाड फाटक की तरफ जो सड़क बन रही है वहां पर बेहद अव्यवस्था है। 17 करोड़ की लागत से यहां पर सड़क का निर्माण हो रहा है। दोनों तरफ से सड़क खुली हुई है, लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हो रहा है वो है दुकानदारों की तरफ से। वो दोनों तरफ से अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है और यहाँ के निर्माण कार्य का काम बहुत धीमे चलता है। तो हमने लिया यहाँ का जायजा, आइए देखते हैं क्या कहना है इस परिसर के लोगों का। कुछ समय पहले ही शहर को ये खुशखबर मिली थी कि उल्लासनगर महानगर पालिका से होते हुए जो रास्ता शार्ट फाटक की तरफ जाता है उसका जो है निर्माण कार्य किया जाएगा, पूरी तरीके से उसको सीसी बनाया जाएगा। 17 करोड़ की लागत से जो है ये रास्ता बनने के लिए तैयार, फंड पास किया गया था, उसका भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन एक बार फिर से जो है महानगर पालिका की लापरवाही देखने को मिल रही है। जिस तरीके से इसका भव्य जो है भूमि पूजन किया गया था, कई पार्टियों ने किया था, कई लोगों ने किया था, लेकिन अब अगर बात करेंगे तो जो लापरवाही देखने को मिली है वो ये लापरवाही देखने को मिले कि जो रास्ता है इस रास्ते का निर्माण कार्य तो शुरू कर दिया गया, लेकिन इस रास्ते के निर्माण कार्य की जो गति है वो काफ़ी धीमी है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है अगर बात करेंगे तो ये रास्ता जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, दो शहरों को जोड़ता है। शहर अगर बात करेंगे तो महानगर पालिका से ये शार्ट स्टेशन की तरफ जाता है, यानी कि शार्ट शहर को भी जोड़ता है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे गैरेजेस होने की वजह से और बहुत सारी दुकानें होने की वजह से गाड़ियाँ यहाँ पर जो है पार्क कर दी जाती है वन साइड, और जिसके वजह से जो है ट्रैफिक की भी जो है यहाँ पर परेशानियाँ होती है। किसी भी तरीके के कोई प्रयास नहीं किए गए कि इसको यहाँ पे वन वे किया जाए ताकि यहाँ पे जो रास्ते का काम चल रहा है उसे गति मिले, या फिर जो रास्ता यहाँ पे जो ट्रैफिक होती है उससे जो है लोगों को राहत मिले। कई यहाँ पे जो है एम्बुलेंस भी जाती है यहाँ से, और कई जो महत्वपूर्ण रास्ता जिस तरीके से मैंने कहा कि शहरों को जोड़ता है, वही कुछ चीज़ें ये भी देखने को मिली कि जो कार्य है यहाँ पर बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है, बहुत ही आराम से किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है समस्या हो रही है। बहरहाल अगर बता दें कि इस रास्ते पर पहले निर्माण कार्य जब इसका किया गया था और जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था यहाँ पर दो की जो है इस रास्ते की खराबी होने के वजह से जान जा चुकी है। महानगर पालिका का इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो अपने अपने काम में बिजी पड़े ले काम आप रास्ते का काम ऐसे ही छोड़ दिया है। कोई भी नेता यहाँ पे कोई भी आता नहीं है, जाता नहीं है, सिर्फ अपने अपने काम में लगे पड़े ले। इधर अपना लोगों की जान जा रही है, बिल्कुल कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि काम चल रहा है या कुछ चल रहा है। रास्ते की हालत पूरी शार्ट तक पूरी एकदम कम दर्जे की है, पूरा रास्ता की लगी पड़ी है, पूरी वाट लगी पड़ी है, कुछ ध्यान नहीं दे रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि जिस तरीके से भव्य इसका उद्घाटन किया गया था, भव्य इसका पूजन किया गया, भूमि पूजन किया गया था इस रास्ते को बनाने का, इसकी गति तो बहुत ही धीमी तरीके से दिखाई दे रही है जो निर्माण कार्य की गति है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से इस रास्ते को बनाकर तैयार किया था और तैयार होने के बाद यह रास्ता कितने समय तक टिकता है ये भी देखने लायक होगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। SES MIM गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से हाल ही में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे प्रथम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की गई और उसके पश्चात घोषणा की गई कि बीजी तिलक स्कूल में 8वीं कक्षा की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं इस हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्राचार्य।
मैं मिसेज बजाज, प्रिंसिपल ऑफ SES MIM गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, आपसे निवेदन करती हूँ कि जैसे हम पहले भी आप सबको जानकारी दे चुके हैं कि इस वर्ष से हम हिंदी माध्यम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जहाँ आपके बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स सब फ्री मिलने वाले हैं, कंप्यूटर की प्रशिक्षण भी, ट्रेनिंग भी फ्री दी जाएगी, सो जल्द से जल्द हमारे संस्था में आप अपने बच्चों को दाखिला दे सकते हैं। हमने सत्यनारायण जी की पूजा रखी थी, जहां मोते सर भी अलॉन्ग विथ एसोसिएट आने वाले थे, लेकिन किस कारण वजह वो नहीं आ पा रहे, लेकिन उन्होंने शुभ संदेश हमको भेजा है और ब्लेसिंग दी है आगे शुरुआत करने की हिंदी मीडियम की। सो हरदास माखीजा सर जी और भी सारे गेस्ट यहाँ आए थे, जिनके ब्लेसिंग से हम इस वर्ष हिंदी माध्यम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबका हमको सहकार चाहिए। आपके ये स्कूल जो है खास करके गर्ल्स के लिए है, जहाँ 12वीं तक बच्चों को शिक्षा दी जाती है लड़कियों को, तो जल्द से जल्द हमारे संस्था में अपने बच्चियों को दाखिला दें। मैं कांता शानी, बीजी तिलक हाई स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर, आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाले साल में 16-17 में हम अपने स्कूल में हिंदी माध्यम शुरू कर रहे हैं, और हमारे स्कूल में हिंदी मीडियम में जो भी बच्चे आएंगे उनको ना कोई फीस होगी, और यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह सब उनको फ्री में मिलेंगे, और हमारे स्कूल में बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और हमारे स्कूल में पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा है, आपके बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने हिंदी मीडियम में जो भी बच्चे पढ़ते हैं 8वीं कक्षा में, वो हमारे बीजी तिलक स्कूल में उनको एडमिशन दिलाओगे, जैसे कि उन स्कूल का भी नाम मशहूर होए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मई दिवस और कामगार दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों का सम्मान किया तथा जरूरतमंदों को नोटबुक वितरित की। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं मनसे के उल्लासनगर अध्यक्ष संजय गुगे। एक मेच्या पूर्व संध्येला दरवर्षीपूर्वी सालाबादप्रमाणे यावर्षी आम्ही इथे महाराष्ट्र दिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। हा जो सदरचा कार्यक्रम उल्हासनगर शहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आयोजित केलेला आहे। सदर कार्यक्रम हा ज्या उल्हासनगरमध्ये जनतेच्या समस्या मांडणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराला वाचा फोडणाऱ्या निर्भीड पत्रकारांचा सुद्धा यामध्ये सत्कार करण्यात आला येणार आहे, आणि जे गरजू विद्यार्थी आहे यांना शालेय साहित्य वाटप, वह्या आणि कंपास वगैरे वाटप करणार आहे, त्याच्याबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कारही या कार्यक्रमामध्ये केला आयोजित केलेला आहे। आणि उल्हासनगरमधील सर्व शहरवासियांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इथे महाराष्ट्राची संस्कृती, कला, ये असा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्याबरोबरच उल्हासनगर शहरातील ज्येष्ठ पत्रकार जे निर्भीडपणे समाजाची बाजू मांडतात त्यांचा सत्कारही केला जाणार आहे, तसंच या विभागातील ज्येष्ठ नागरिक यांचा सत्कारसुद्धा आमचे शहर अध्यक्ष संजय गुगे यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला आहे। आणि जे विद्यार्थी शालेय साहित्य, गणवेश अशा विविध समवेय वाटपसुद्धा इथे केलं जाणार आहे। हा कार्यक्रम त्यांनी 1 मे महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनानिमित्त आयोजित केलेला आहे। मी संजय गुगे यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणि पत्रकारांसाठी एवढा चांगला उपक्रम राबवला। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, मई दिवस और कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो शिवसेना की तरफ से वरिष्ठ नेता धनंजय बोडारे के मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा अर्चना की गई। यहां विशेष रूप से उपस्थित थे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और उनके अलावा शहर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की।
कोणार्क अपना शहर अपनी बात। 10 मई को अभय योजना की शुरुआत हो रही है। जिन लोगों पर संपत्ति कर बकाया है उनसे बिना दंड लिए राशि ले ली जाएगी। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रही हैं उप महापौर श्रीमती पंचशीला पवार, जो बता रही हैं ये अभय योजना का आखिरी चरण है जिसका लाभ शहरवासियों को उठाना चाहिए। शहरवासियांसाठी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सर्व नगरसेवकांनी मिळून ही योजना पुन्हा एकदा सुरुवात केलेली आहे। मला वाटतं हा चौथा टप्पा आहे। पहिला एक टप्पा झाला, दुसराही झाला, तिसराही झाला, हा तर कदाचित हा शेवटचा टप्पा असू शकेल। म्हणून नागरिकांना सर्व विनंती आहे की उल्हासनगर महानगरपालिकेचा जो तुमचा प्रॉपर्टी टॅक्स असेल तो लवकरात लवकर भरावा। 31 तारखेपर्यंत याची मुदत आहे आणि कदाचित हा शेवटचा टप्पा असल्यामुळे तुम्ही या संधीचा भरपूर लाभ घ्यावा व उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे। मी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या वतीने सर्व नागरिकांना आवाहन करत आहे की आपण या संधीचा अभय योजनेचा लाभ घ्यावा। ही चौथा टप्पा असल्यामुळे कदाचित आपल्याला ही शेवटची संधी असू शकेल। म्हणून नागरिकांना विनंती आहे की आपण याचा पुरेपूर फायदा घ्यावा। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर शहर एक ऐसा शहर है जहां पर विभिन्न मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता है। शहरवासी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें इसलिए कोणार्क अपना शहर अपनी बातें की टीम लोगों को जानकारी पहुंचाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कैंपों का लाभ उठा सकें। इस बार डॉक्टर प्रेम जेठमलानी जानकारी दे रहे हैं कि कौन से विभिन्न शिविरों का आयोजन हमारे शहर में हो रहा है। 9 तारीख सोमवार के दिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक मुफ्त बिल्कुल मुफ्त डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तपास की जाएगी। लासई दवाखाना सोनारा गली शाम को 7 से 9 बजे सीरू चौक सोनारा गली उल्हासनगर 2 में। उल्हासनगर के अंदर 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, उनको रेगुलर जांच करानी है। लोग रेगुलर जांच नहीं करा पाते इसलिए ये फ्री कैंप रखी गई है। लोग ज़्यादा में ज़्यादा फायदा उठाए और अपनी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर चेकअप कराएं। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नेहरू चौक पर यातायात विभाग के कार्यालय के बाहर ऑटो रिक्शा यूनियन और व्यापारियों ने मिलकर जल सेवा शुरू की है। गर्मी के दिनों में जल सेवा एक उत्तम सेवा मानी जाती है। आइए देखते हैं किस तरीके की जल सेवा की है रिक्शा चालकों और व्यापारियों ने। आप सभी लोगों को जानकारी है कि पूरे देश में इस बार सूखा है और महाराष्ट्र में ज़्यादा, और 2-3 महीने से हम उल्हासनगर में भी देख रहे हैं कि पानी की किल्लत है। बहुत सारे मोर्चा आंदोलन जन आंदोलन भी हो रहे हैं। जहाँ तक नेहरू चौक का सवाल है, भारत के कोने कोने से लोग उल्हासनगर में आते हैं। उल्हासनगर एक व्यापारिक केंद्र है और यहाँ पे नेहरू चौक के नज़दीक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, एक तो उनको होटल में जाना पड़ता था या तो पानी बोतल का पानी खरीदना मिलता था। ऐसे समय में हमारे जो हवलदार है जीतू चौहान, उन्होंने इस परिस्थिति को समझकर एक प्रस्ताव रखा हमारे सामने, एसीपी साहब के सामने, हमारे सामने, और उन्होंने यहाँ के जो ऑटो रिक्शा चालक मालक संघर्ष समिति के सदस्य है वो और दीपक भाई, इनसे बात करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार किया। और पानपोई नेहरू चौक में पहली बार हो रहा है और यहाँ के जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं, और मई महीने में ये शुरू हो रहा है जबकि इसकी बहुत ही ज़रूरत है इस महीने में, और सही समय पे, सही वक्त पे और सही जगह पे शुरू किया, इसका मुझे बहुत ही आनंद है। और मैं सभी उल्हासनगर वासियों को ये बताना चाहता हूँ या आवाहन करता हूँ कि इसका पूरा फ़ायदा उठाए, इसका पूरा उपयोग करें। और सिर्फ पानपोई की व्यवस्था नहीं है तो आजू बाजू का परिसर भी हम
स्वच्छ रखे, इसका भी संदेश हम देना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने भी सहयोग दिया, चाहे वो ऑटो रिक्शा चालक मालक संघर्ष समिति हो, दीपक भाई हो, उल्लासनगर के कई व्यापारी लोगों ने हमको ये सहयोग दिया है और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है। और हम सभी को अपील करते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा करके इस्तेमाल करिए अच्छी तरह से, और ऐसे ही कुछ पानपोई दूसरे जगह पर भी बनाना चाहिए। और यहाँ के, मुझे बहुत खुशी है यहाँ के व्यापारी लोगों ने इसको सहमति दी है और ये एक मिसाल है उल्लासनगर वासियों के लिए, और इसको देख के जगह जगह पानपोई बन जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सिंधु सर्किल में सिंधु अदबी क्लास की रजत जयंती के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये काफी रोचक और उत्कृष्ट कार्यक्रम रहा। आइए देखते हैं किस तरह कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। वधी धरतीय ते यो पारो बीमारन आ कयो वारो, वधी धरतीय ते यो पारो बीमारन आ कयो वारो, घटाए जोर गर्मी जो अची कर छांव जो आठारो, निहारन भेण था सारा ककर कारा ककर प्यारा। सांजी ही 75 बैठक यानी प्लैटिनम जुबली बैठक हुई। ही मुशायरे जो जेको असांजो क्लास आहे सवा 6 सालनि खां लगातार हर महीने चौथे आरतवार ते हलंदो आयो आहे ऐं अॼु असां उन में काफ़ी सुठो मुक़ाम हासिलु कयो आहे 75 बैठक कंप्लीट करे। हिन सफ़र में असां खां के शायर काफ़ी जेके छॾे विया उहे असांखे अॼु बि यादि आहिनि ऐं उन्हनि जे ई रहनुमाईअ सां ऐं उन्हनि जे ई साथ सहकार सां अॼु असां हिन मुक़ाम ते पहुची सघिया आहियूं ऐं हिन सफ़र में हलंदे हलंदे असां सां ॿिया बि काफ़ी शाइर असां सां मिलिया आहिनि, जिन जे ज़ोर ते असांजो ई जेको क्लास आहे हलंदो थो रहे। असांजी अपील आहे त जेके बि असांजे उल्लासनगर शहर में सिंधीअ सां वास्तो रखनि था, सिंधी ॿोलीअ में उन्हनि जो चाह हुआ या सिंधी शाइरीअ सां लगाव आहे, अचनि असां सां मिलनि, जीअं असांजो ई काफ़िलो अञा थोड़ी रफ़्तार सां वधीक रफ़्तार पकड़े हलंदो हले। सिंधु यूथ सर्किल की ओर से हमारी बहुत ही एक्टिविटीज़ चलती है। आज जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हमारा जो कविता पाठ का जो एक एक्टिविटीज़ है उसकी 75th प्लेटिनम जबली यहाँ सिंधु सर्किल में मनाई गई। यह सिंधु सर्किल एक ही बड़ी से बड़ी संस्था है सिंधियों की, जहाँ बहुत ही एक्टिविटीज़ चलती है, आज साज आवाज़ की, लिटरेरी की और कल्चरल्स ड्रामा और दूसरे वर्कशॉप्स वगैरह भी इधर चलते हैं। और आज जो यह प्लेटिनम जबली यहाँ सिंधु सर्किल में कविता पाठ की हुई वो एक यूनिक थी और बहुत ही शायरों ने आके अपने शायरी सुनाई। और हर फोर्थ संडे को हमारी 11:30 to 1:30 यह क्लास चलता है। हम सभी सिंधी भाइयों को खास करके इन्विटेशन देंगे, खास करके यंग जनरेशन को, कि आप आइए, यदि आप में कोई भी कला है तो उसका जौहर दिखाने के लिए हमारी संस्था का प्लेटफॉर्म आपके सामने हमेशा हाजिर है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अखिल भारतीय सिंधी बोली साहित्य प्रचार सभा और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एनसीटी हरिकृष्णा स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थी उल्लासनगर शहर की विधायक श्रीमती ज्योति कालानी। रिश्तो जेको आहे सो तमामु कमज़ोर थी चुको आहे, उन में एतिरो प्यारु इज़त मर्यादा रही न आहे। वक़्त वक़्त जी ॻाल्हि आहे, कुझु कमियूं गुरु में बि हूंदियूं ऐं कुझु शागिर्दनि में बि हूंदियूं। गुरु ऐं शिष्य जो रिश्तो तमामु मज़बूत रहे ऐं हमेशह क़ाइमु रहे, हीअ कोशिशि कयूं। असांजा वॾा दादा सतमदास, उन्हनि जे जीवनीअ मां असांखे सिखणो आहे, सिर्फ़ु तइलीमी खेत्र में अॻियां वधणो आहे, ॿारनि खे हिंदी सिखणी आहे।
भाषा पंहिंजी राष्ट्रभाषा कोणार्क अपना शहर अपनी बात। तो ये थी हमारे शहर की प्रमुख गतिविधियां। अन्य गतिविधियों को देखने के लिए डालते हैं एक नजर। कामगार दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने किए कामगार अस्पताल में फल वितरित। आज 1 मई कामगार दिवस महाराष्ट्र डे और कामगार दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर कामगार हॉस्पिटल में यहां पर मरीजों को फल बांटे, इस तरह से कामगार दिवस मनाया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया है। कामगार हमारे देश की रीढ़ है, कामगार नहीं होंगे तो किसी की तरह का काम नहीं होगा। तो कामगार दिवस मनाना ये अपने आप में एक गौरव की बात है। तो मैं वापस से अपने सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर हॉस्पिटल में मनाया। कामगार दिवस आणि महाराष्ट्र दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। भारतीय जनता पार्टी उल्हासनगर च्या वतीने कामगार आपल्या हॉस्पिटलमध्ये कर्मचाऱ्यांना फळ वाटण्यात आले त्याबद्दल भारतीय जनता पार्टी उल्हासनगर यांचे मी कामगार रुग्णालयाच्या वतीने हार्दिक धन्यवाद मानतो। महाराष्ट्र दिवस आणि कामगार दिवस आहे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, यहाँ पर आकर हम लोगों ने जो पेशेंट है हमारे यहाँ मरीज है उनको फल वितरित किया और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ होकर यहाँ से जाए, अपने अपने घरों में खुशी मनाएं। प्रसिद्ध कवि साहेबराव विठ्ठल की स्मृति में हुआ कार्यक्रम। आज ज्यांचा दुसरा स्मृति दिवस साजरा करण्यात येत आहे असे महाराष्ट्राचे ख्यातनाम कवी गायक साहेबरावजी विठ्ठल पायकराव यांचा उल्हासनगर क्रमांक 5 या एरियामध्ये असलेले सम्राट कॉलनीमधील सम्राट अशोक बुद्धविहार सेवा संस्था उपाध्यक्ष मी संगपाल खंडागळे, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जे आमचे सम्राट गायन पार्टी यांनी जो हा जो कार्यक्रम आयोजित केला या आमचे या महाराष्ट्रामध्ये गाजलेले ख्यातनामाशे कवी गायक विठ्ठल साहेबराव विठ्ठल पायकराव यांचा दुसरा स्मृती दिन साजरा करत आहोत आणि या सम्राट कॉलनीमधील सर्व बौद्ध उपासक उपासिका यांनी हा जो कार्यक्रम घडून आणलेला आहे आम्ही या सर्व कार्यक्रम घडून आणलेल्यांचे आभारी आहोत। आज आमच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे आदिनाथ जे कोरडे साहेब, त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या आमच्या महिला मंडळाच्या मातोश्री महिला मंडळाच्या अध्यक्षा जयाताई रमेशजी धुमाळ, त्याचप्रमाणे आमच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले गुरुवर्य सन्माननीय आयुष्यमान शिवाजी गायकवाड यांचीसुद्धा या ठिकाणी उपस्थित लाभलेली आहे। आमच्या महिला मंडळातर्फे साहेबराव पायकराव यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। पुलिस परिमंडल 4 के अंतर्गत कई असामाजिक तत्व ऐसी आपराधिक घटनाएं कर देते हैं जो समाज के हित में नहीं होती। इस बार कौन सी घटनाएं दर्ज हुई हैं, किस तरह चोरों लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस, किस तरह असामाजिक तत्वों को ढूंढ रही है, किस तरीके की क्राइम डायरी बनाई जा रही है, आइए लेते हैं इसका जायजा क्राइम डायरी में। शहर में पानी की किल्लतों के चलते विवाद तो देखने को मिले, लेकिन अब ऐसे भी घटनाएं सामने आ रही जिसमें लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। ऐसी घटना सामने आई जिसमें बताया जाता है कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के बंगलो एरिया परिसर में रहने वाले प्रीतम सिंह लबाना, जो कि बी सेक्शन में पानी की सेवा देने के लिए गए थे, वहाँ पर कुछ लोगों ने पानी की मांग की तो प्रीतम सिंह लबाना जी ने ये कहा कि पानी मिल जाने के बाद जो बचेगा तो आपको दिया जाएगा, लेकिन इस बात को लेकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, धारदार हथियारों से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इस पूरे मामले को उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और IPC 307, 504, 506 और 427 के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच की जा रही है। शहर में टू व्हीलर की चोरी की घटना एक आम हादसी हो चुकी है और ऐसे में एक और चोरी की घटना यानी कि एक और कड़ी जो है सामने आई है, जिसमें बताया जाता है कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के नेताजी चौक परिसर से एक ब्लैक कलर की जो होंडा पल्सर गाड़ी है उसके ऊपर हाथ साफ किया गया है। गाड़ी का नंबर MS05AP867 बताया जाता है। इस पूरे मामले को उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के हिलन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच की जा रही है। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।
तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद।